खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त रिपोक बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस YouTube आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी, क्या हमें व्रत एकादशी में, ध्यान दीजिए, क्या हमें व्रत एकादशी में तंबाकू का सेवन गुटके मसाला बीड़ी सिगरेट के रूप में करना चाहिए या नहीं। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज्ञान वर्धक होने वाला है। जो भी दास के इसको चैनल को पहली बार देख रहा है, मुझे मेरे चैनल पे पहली बार सुन रहा है, अभी से दास का ये चैनल रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि भक्ति मार्ग पर और आध्यात्मिक मार्ग पर आप सदा मेरे साथ अपडेट रहें। तो बात चलेगी एकादशी व्रत पर, हमें गुटखा सेवन करना चाहिए कि नहीं। तो मित्रों, पहले सबसे पहले बात समझते हैं, ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई कि ये तंबाकू, क्योंकि सब कुछ गुटके के अंदर भी तंबाकू है, मसाला मिक्स करके भी खाते हैं तंबाकू ही है, सिगरेट बीड़ी भी तंबाकू है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद आप खुद सुनते सुनते फैसला कर लेंगे कि ये खाना शुभ है या अशुभ है, इससे पाप मिल रहा है या पुण्य मिल रहा है। तो मित्रों, एक समय की बात है, जब श्री हरि इंद्रलोक मतलब स्वर लोक पहुंच गए थे और इंद्र से उनका घमासान हो गया था। एक्चुअली क्या था, श्री हरि वहां से कल्प वृक्ष लेने गए थे, वो कल्प वृक्ष ना देना चाहता था, मतलब इंद्र था वो कल्प वृक्ष नहीं देना चाहता था, और वो इस बात में तर्क वितर्क होने लगे। इतने में इंद्र ने श्री हरि पर चढ़ाई कर दी, मतलब युद्ध का ऐलान कर दिया, युद्ध लड़ने पर आतुर हो गया। श्री हरि ने कहा, मैं क्या लेके जाऊंगा, क्या नहीं उसे छोड़, पहले मैं तेर को सही करता हूँ। तो श्री हरि और इंद्र के बीच में घमासान युद्ध हुआ, इंद्र ने अपनी सेना बुला ली, जो भी उसके पक्ष में गंधर्व वगैरह थे सब आए, सब परास्त होके हार के भाग गए। इंद्र खुद को घिरता देख, हारता देख, क्योंकि श्री हरि तो अपने गरुड़ देव पे विराजमान थे, वो अकेले ही इसका पूरा नाश करने के लिए तैयार थे। अरे सोचने वाली बात है, कितना मूर्ख है, जब भी दानव, जब भी असुर इंद्र पे या स्वर्ग पे हमला करते हैं तो श्री हरि की शरण में जाता है, तो श्री हरि से पंगा ले लिया। तो श्री हरि तो अपने अकेले थे और अपने पूरा साजो सामान के साथ हमेशा रहते कि कब इसको सही करना है, किसी दुश्मन को कब ठिकाने लगाना है। तो क्या हुआ, इंद्र की सारी सेना परास्त हो गई, तो इंद्र के पास सुरभि गाय थी, और सुरभि गाय ने इंद्र को कह रखा था कि एक बार मैं तुम्हारे प्राण बचाने जरूर आऊंगी। तभी इंद्र ने अपने आप को हारता देख, घिरता देख कि अब तो मेरा अंत हुआ, तभी सुरभि गाय मैया का आह्वान किया, सुरभि गाय इंद्र के आगे प्रकट हो गई उनके प्राण बचाने हेतु, और इसका फायदा इंद्र ने उठाया। और ये देख, क्योंकि गौ माता तो हमारे इष्ट श्री हरि श्री कृष्ण की भी इष्ट है, वो इष्ट नहीं परम इष्ट है। ये देख के श्री हरि इंद्र को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सारे अपने जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र डाउन कर लिए, क्योंकि सुरभि गाय तो उनकी इष्ट है, गौ माता तो हम सब की इष्ट है, हमारे इष्ट की इष्ट है तो हमारी इष्ट है। तो गरुड़ देव को गुस्सा आया, ये सुरभि गाय बीच में क्यों आ गई, क्योंकि गरुड़ देव थे वो गुस्से में आए कि मेरे मालिक मेरे इष्ट बैठे हैं और इंद्र इसका फायदा उठा के अपने आप को बचा रहा है, गौ माता को आड़ में रखकर आगे रखकर अपने आप को बचा रहा है। तो वो भी कुछ नहीं कर पाए, गरुड़ देव भी उन्होंने पंख फड़फड़ाए और पंख फड़फड़ाए तो उस पंख की चोट से सुरभि गौ माता थोड़ी चोट लग गई, थोड़ी सी उनके शरीर पे खरोच आ गई, जिससे उनका जो खरोच से रक्त निकला वो धरती पे आके उससे तंबाकू पैदा हुआ। तो सबसे पहली बात समझो कि सुरभि गाय के रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। तो आज जहां जहां तंबाकू की खेती होती है वहां सुरभि गाय की गोहत्या समान अपराध लगता है। तो आपको इतनी बात समझ आ जानी चाहिए, चाहे आप एकादशी व्रत में खाओ या ना खाओ, नॉर्मल जीवन में भी खाओ, तब भी आपको गोहत्या वध
समान अपराध पाप लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब आप समझने वाली बात है, आप सिगरेट बीड़ी गुटखा जर्दा जो भी खाते हैं, ध्यान दीजिए उसमें लिखा होता है ये कैंसर हो सकता है। सिगरेट की डिब्बी पे दिखाते हैं कैंसर हो सकता है, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है। देखो सुरभी गौ माता के जो गौ हत्या समान अपराध आपको लग रहा है उसके द्वारा तो आपको नरक मिलेगा मिलेगा, यातना मिलेगी मिलेगी। नरक के बाद आपको अलग जो योगी हो जानवर की होनी होती है, जो भी 84 लाख होनी थी उसमें आपको भटकना पड़ेगा, लेकिन जीते जी क्या मिल रहा है, कैंसर। तो आप ये समझ लो ये तंबाकू खाना जीते जी अभिशाप है, और मरने के बाद तो अनंत जन्मों तक, ना जाने कितने असंख्य जन्मों तक आपको पाप योनियों में भटकना पड़ेगा, पहले नर उसके बाद ये 84 लाख योनियों, कुत्ता बिल्ली जो भी बनते हो। तो भाई ये अपराध तो जीवन में वैसे ही नहीं करना चाहिए, और एकादशी वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी दास दीपक द्वारा कि गुटखा बीड़ी सिगरेट अपने आप में कितना बड़ा अभिशाप है। देखो आप खा रहे हो तो उससे आपको कैंसर भी आपको बन रहा है, देखो जीते जी कैंसर भी बन रहा है। बीड़ी गुट जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़ों में ताजा हवा जानी चाहिए, उसमें ताजा हवा नहीं जा रही क्योंकि वहां ये निकोटीन ने जहर सिगरेट का जहर भर किया है। इस कारण से आज की तारीख में लोग हार्ट पेशेंट है क्योंकि फेफड़ों को पूरी ऊर्जा नहीं मिली। जहां स्वच्छ ऑक्सीजन जानी चाहिए वहां की सारी नसें ब्लॉक हो गई है, क्योंकि सिगरेट अंदर जाएगी तो गर्म जाएगी तो नसें जला देगी, बहुत सूक्ष्म नसें होती हैं। और गुटखा जितना भी होता है, तंबाकू आप चबाओगे ये सारा हिस्सा गला देता है, वहां कैंसर जन्म ले लेता है। तो धीरे धीरे जो आप ये कैंसर को चबा रहे हैं, या यकीन मानना इसका कोई इलाज नहीं है। आध्यात्मिक जगत में, हमारे आध्यात्मिक जगत में हमारी जो होती है आध्यात्मिक शैली, उसके अंदर इसका इलाज पूर्ण रूप से, लेकिन लोगों ने आज अंग्रेजी इलाज अपना लिया, उसमें कीमोथेरेपी होगी, काट पीट कर देंगे, पूर्ण रूप से इलाज नहीं है ये, तो ना इलाज, एक तरह से बीमारी है, बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारे आयुर्वेद जगत में तो पूर्ण इलाज है, आयुर्वेद में कैंसर की कोई औकात नहीं है कि हाँ ये हुआ चलो ठीक कर दिया, ठीक है आयुर्वेद के लिए तो मच्छर है। लेकिन हमने बहुत जल्दी के चक्कर में अपनी संस्कृति को बुलाते हुए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बुलाते हुए, अपनी पद्धति बुलाते हुए, जो हमने इंग्लिश पद्धति अपनाई, हमारा पतन हुआ क्योंकि हम वेद पुराण शास्त्र से विमुख हो गए, और वो यूरोपियन पुस्तकों के चक्कर में, भौतिक पुस्तकों के चक्कर में हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान से विमुख हो गए। आज जरूरत है हमें अपने गीता पढ़ने, गीता रामायण महाभारत पढ़ने की, ताकि हम जान सके कि हम श्री हरि किसकी संतान है और उनकी क्या क्या महिमा, क्या क्या लीला है। याद रखना मेरे मित्रों, सखा सखियो, इस धरती पे हम श्री हरि का अंश है और उन्हीं का ही वंश है। इसलिए आप भौतिक जगत में तरक्की करो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश मैथ साइंस पर सोचो, भौतिक जगत में जरूरी है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी अर्जित करो भगवद गीता द्वारा, वेद पुराण शास्त्र द्वारा। अरे कुछ मत पढ़ो, सिर्फ भगवत गीता के शरण में चले जाओ, अपने श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ। और जब भी वेद पुराण शास्त्र लो तो गीता गोरखपुर प्रेस का लो, वो एज इट इज, जो व्यास जी ने शब्द लिखे हैं एज इट इज छापते हैं, प्योर होते हैं, कोई उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती, ये बात आप समझ लीजिए। अब एकादशी आ रही है, 18 जनवरी को षटशिला एकादशी आ रही है, षटशिला एकादशी आ रही है, ध्यान दीजिए षटशिला एकादशी आ रही है जो कि 18 तारीख को है, और पारण उसका 19 तारीख को है, सुबह 7:15 से 9:30 बजे के बीच का समय है। अब आप ये समझ लो कि अभिशाप कितना बड़ा है कि इसे खाना ही नहीं है, इसे खाना ही नहीं है, चबाना ही नहीं है, गुटके की तरफ देखना ही नहीं है। अब एकादशी को कई बार मेरे से पूछते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे तो एकादशी का परहेज एक दिन पहले शुरू हो जाता है, एक दिन पहले प्याज लहसुन बंद कर दो, आप जो भी गलत काम करते हो वो बंद कर दो, क्योंकि जो गलत खान पान करते हो क्योंकि अगले दिन तक हमारे वो पेट में रहता है। क्या ही लोग हैं जो एकादशी वाले दिन सुबह ब्रश कर लेते हैं, क्या ही ऐसे होते हैं, गुल, एक गुल नशा होता है वो भी अभिशाप है। किसी प्रकार का नशा नहीं करना एकादशी हो चाहे व्रत हो, कई लोग गुल करते हैं, मैंने देखा है कई बुद्धिहीन गुल कर लेंगे, चबाते रहेंगे, नशे में रहेंगे, मसाला डाल लेंगे। मैं पहले बता चुका हूं अभिशाप है, उस दिन तो आपको कोई किसी प्रकार का केमिकल युक्त ब्रश और टूथपेस्ट में नहीं लगाना, बल्कि एक रात पहले आप अपने ब्रश से अपना मुंह साफ कर, कुरा के कुल्ला करके, दांतों साफ करके सोया सुबह कुल्ला कर लो, और बाई चांस आप मुंह साफ करना, दांत साफ करना भूलकर सुबह सेंधा नमक से आप उंगली से, वो भी बीच वाली, इससे कभी मत करना, अपराध है। इस बार जब भी आप उंगली से करो, इस बीच वाली उंगली से करे करो, क्योंकि ये इससे अपराध लगता है, इससे करे करो। तो आप सेंधा नमक डेली में रख के आप सुबह अपने मुंह साफ, दांत साफ कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, और फिर अपने, और एक बात और, एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसा दल उतार लीजिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसा दल नहीं उतारते, तुलसा माँ की भी एकादशी होती है, और द्वादशी वाले दिन उनका वो ध्यान अपने आराम में होती है, उस दिन में नहीं उतारते, तो एक दिन पहले तुलसा दल उतार लो, ताकि जब आप एकादशी वाले दिन आप उनको फल अर्पण करें, जो भी आप घर में सेंधा नमक डाल के बनाए,
जो जो भी आप अर्पण करें, जैसे कुट्टू के आटे के पकौड़े खाते हैं, देखो आज की तारीख में मिक्स भी बहुत होता है, साफ सुथरी जगह से लीजिए, सिंघाड़े के आटे के पकौड़े बनाते हैं, जो भी आप बनाते हैं सात्विक, ठीक है, आलू के अंदर भी सेंधा नमक डाल सकते हैं, आलू के अंदर आप जो भी डालें, मूंगफली अगर लें तो नमक वाली नहीं लेनी चाहिए, प्लेन ले, ताकि उसमें आप स्वाद अनुसार डाल के सेंधा नमक डाल के आप पा सकते हैं ठाकुर जी को भोग अर्पण करके। और अगले दिन पारण का समय जो होता है, सुबह उठकर नहा धोकर जो टाइमिंग है, आप नहा धो के 7:15 से 9:30 का समय, उस बीच में आपने बनाना है, जब द्वादशी लग जाती है उस समय आप जो भी बनाए ठाकुर जी के लिए, खीर बनाए, आप कड़ी चावल बनाए, जो भी प्रेम से अर्पण करके तुलसा दल रख के ठंडा करके प्रभु को अर्पण करिए, बुलाइए, हे प्रभु मेरे द्वारा आपने जो भी कोई ये जो आपकी कृपा से जो इस दास ने दासी ने एकादशी रखी है, इसे स्वीकार कीजिए, कोई त्रुटि गलती होगी तो इस दासी को अपने इस दास को क्षमा कीजिए, प्रभु दया के सागर है, प्रभु सदा क्षमा करते हैं, वो बदला नहीं लेते, उन्हें पता है भक्ति मार्ग आसान नहीं है, ये भोगों से ग्रस्त है, लेकिन आज हम प्रभु की कृपा से, ये सच्चाई अगर हम भक्ति मार्ग में हैं तो श्री हरि की कृपा से हैं, श्री हरि ने हमें प्रेरणा दी है, उन्होंने हमें पकड़ा है, तो आज उनकी कृपा से हम उनका नाम जप पाते हैं, राधा गोविंद सीता राम श्री लक्ष्मी नारायण कह पाते हैं। तो ये मत सोचना कि आप एकादशी रख रहे हो, ये मत सोचना कि आप व्रत जा रहे हो, श्री हरि कृपा कर रहे हैं तो आप एकादशी रख पा रहे हो। और जिसके मन में भाव आ जाए कि चलो हमें भगवान की बातें सुननी है, करनी है, पढ़नी है, समझ लो उसकी आध्यात्मिक जगत में एंट्री हो गई है। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। इसलिए एक बात और बता दूं, एकादशी नहीं रखोगे तो अपराध है, बल्कि जो व्रत होते हैं, व्रत और एकादशी अलग होते हैं, व्रत भौतिक जगत के होते हैं, अगर आप कोई व्रत नहीं रखते कोई बात नहीं, एकादशी सारे व्रतों का राजा है, व्रत नहीं रखते तो कोई बात नहीं, कोई अपराध नहीं, क्योंकि व्रत रख के भी आपने भौतिक सुख साधन मांगा है, जो कि आपसे वो फिर भोगों में ले आएगा, फिर पाप अर्जित होंगे, फिर दुख मिलेंगे, लेकिन एकादशी है वो आपको हर भय से मुक्त करके, भोग से मुक्त करते हैं, सदा सदा के लिए मुक्ति धाम हरि के धाम पहुंचा दे दिए। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी मैया की जय, बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय, सीता राम जी की जय, राधे श्याम जी की जय। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए दास के इस YouTube चैनल से सदा जुड़े रहिएगा, और जो पहली बार सुन रहा है अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना। फिर बता रहा हूँ 18 तारीख को दिना आने वाली 18 जनवरी को षट तिला एकादशी है 18 तारीख को, और एक दिन पहले ही आप परहेज कर लीजिएगा, और 19 तारीख को पारण का है 7:15 से 9:30 तक का। तो उम्मीद करता हूँ अब आप कभी भी गुटखा सेवन नहीं करेंगे, ये अभिशाप जो जीते जी आपको कैंसर दे रहा है, आपको दमा दे रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, जब हमारे फेफड़ों में ये धुआं चला जाता है, फेफड़े की नसें खत्म हो जाती है, तभी हमें हार्ट अटैक पड़ता है, हमारे फेफड़े, हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, हम जोर जोर से सांस लेते हैं, अधिकतर हमारा पोल्यूशन जो हमारे शहरों में हो गया हमारी सांसों में जा रहा है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है, और बहुत जल्दी हमें हार्ट की बीमारी, शारीरिक बीमारी, फेफड़े कमजोर होना, और हमें सांस की दमे की बीमारी हो रही है। तो मित्रों जनहित में और आध्यात्मिक हित में दास का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके शेयर कीजिएगा, नशे से दूर रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम।